नमस्कार। क्राउन कैप्स जब हम बच्चों में देते हैं, स्पेशली पीछे के दांतों पे या दो दांतों में जब एक साथ क्राउन्स दिया जाता है, तो आसपास के दांतों से कैसे उसको साफ सफाई रखें, या हम समझेंगे कि कैसे हम फ्लॉसिंग करें, और सिंपल भाषा में समझेंगे कि कैसे हम कैप्स की देखरेख करें। आज हमने फॉलो विजिट पे हमारे पास बच्चा है जिसको अभी हमने 10-15 दिन पहले क्राउन्स लगाए थे, और इस तरह की फ्लॉस आती है एक, है ना। अच्छा, तो फ्लॉस वैसे तो पहले से ही स्टार्ट करनी थी तो कैप्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन चूंकि अब अपन ने कोई आर्टिफिशियल यहाँ पे चीज लगाई है तो उसको मेंटेन कैसे करना है। तो ब्रश तो आप प्रॉपरली ऐसे करेंगे, है ना, फिंगर रिट्रैक्ट करके इस तरह से ब्रशिंग करेंगे। और ये टूथ कलर्ड क्राउन है, स्पेशली इनकी सरफेस भी बहुत स्मूथ होती है और ये प्लाक और इनको अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ्लॉस ऐसे दो दांतों के बीच में हम पास करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ऊपर से दिखाओ, यहाँ से बहुत सिंपल तरीका है। हमने दो दांत के बीच में लिप्स को हमने फिंगर से अलग हटा लेना है जी। और ये खड़े खड़े ना करें, बच्चे को लिटा लें आप बिस्तर पे, अगर सिंपल तरीके से देखना है तो यहाँ बाहर, क्योंकि करीबन 33% हिस्सा हमारा दो दांतों के पास पास होता है, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्टेक्ट्स बोलते हैं। तो ये कॉन्टेक्ट्स के बीच में ही खाना फंसता है, और इसको हम 4 तरीके से क्लासिफाई भी कर सकते हैं। अगर बच्चा हमारे पास पहले आता है तो हम ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि किन बच्चों को ज़्यादा फ्लॉसिंग की ज़रूरत है और किन बच्चों में फ्लॉसिंग थोड़ी सी हम आराम से कर सकते हैं। तो जब कभी भी, जैसे यहाँ पे नॉर्मल दांत है ना, यहाँ पे हमने कैप नहीं लगाया है और ना ही दो दांत के बीच में कैविटी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम फ्लॉस डालते हैं तो हमारा फ्लॉस आराम से बिना टूटे फूटे बाहर आना चाहिए। ये एक थ्रेड है ना, इसमें बहुत सारे थ्रेड हैं, इस पे सिंपली ऐसे भी चेक कर सकते हैं रूटीनली जब हम फ्लॉस करते हैं, या जो लोग अभी फ्लॉस करना शुरू करेंगे वो चेक करें कि जब कभी भी दो दांत के बीच में, स्पेशली पीछे के दो मोलर्स, जैसे मॉडल पे हम यहाँ देखें तो ये हमारे जो दो मोलर से मिल्क टीथ, स्पेशली हम जब 6 साल से छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं तब, हमारा पक्का डाढ़ अभी आया नहीं है, तो ये दो दांत जब ये डाढ़ आती है बाहर तो ये पुश करती है, है ना। एक जनरल टेंडेंसी होती है कि सभी दांतों को आगे की तरह एक तरफ ऐसे लाइन आगे बढ़ती है ना, तो आगे पुश रहता है। तो वैसे ही जब हमारा दांत फर्स्ट मोलर आता है या इरप्टिव फेज में आना शुरू हो जाता है, 4 से 4.5 साल की एज में ये शुरू हो जाता है, और 3 साढ़े 3 साल में अपना सेकंड मोलर आता है, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट जो है क्लोज हो जाते हैं, इनको बोलते हैं अब टाइट कॉन्टैक्ट्स। जिन बच्चों में ये ओपन रहते हैं, जहाँ पे बिल्कुल गैप दिख रही, जैसे यहाँ गैप दिख रही है तो यहाँ खाना नहीं फंसेगा, तो इसको हम ओपन कॉन्टैक्ट बोलेंगे, है ना, या फिर ओन से हम साइंटिफिकली इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। जब कभी हम इसको और ध्यान से जब हम देखते हैं बच्चों को, जब प्रिवेंटिव फेज में हमारे पास आते हैं जो कैविटी फ्री रहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि क्या वो पॉइंट कॉन्टैक्ट है, मतलब बहुत ही पॉइंट से जैसे दो ऐसे चिपक रहे हैं, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया जो बीच में ये कम है, यहाँ पे खाना फंसने की प्रवृत्ति कम रहेगी, तो इसको हम एक्स कॉन्टैक्ट बोलते हैं। एक्स में जैसे एक पॉइंट बनता है वैसा। फिर नेक्स्ट आता है ब्रॉड कॉन्टैक्ट, जो एक लंबी सरफेस होती है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया अगर हमारा चिपका हुआ, जैसे हम पाम को जब मिलाते हैं तो ये बहुत बड़ा एरिया है, इसके बीच में हम कुछ भी चीज को होल्ड कर सकते हैं। जब खाना खाते हैं बच्चे तो ये जगह होल्ड हो जाती है, और सबसे ज्यादा खाना यहीं फंसता है। अब जब हम कुल्ला करते हैं या हमारी जबान चलती है या हम कुछ लिक्विड लेते हैं, तो एक स्क्वैशिंग मूवमेंट हमारे मुंह में होता है, तो उसमें ये जो जिंजा वैग के आसपास जो एम्ब्रेजर्स रहते हैं, छोटी छोटी सुरंग जैसी हम इमेजिन करें, तो वहां से खाना ये निकल के बाहर आ जाता है। बट जब कभी ये आई तरीका का या स्ट्रेट या जिसको हम ब्रॉड कॉन्टेक्ट बोलते हैं ये रहता है, तो यहाँ से हमारा खाना ट्रैप्ड फूड है वो निकल नहीं पाता है, और ये धीरे 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 वहाँ पे कैविटी की शुरुआत करता है। जब कैविटी बन जाती है तो वहाँ पे एक छोटा सा ऐसा पॉकेट बन जाता है। अब इमेजिन करो कि इस दांत पे भी ऐसा पॉकेट है और इस दांत पे भी ऐसा पॉकेट है, और ये कॉन्टेक्ट ऐसा बना हुआ है। अब यहाँ से खाना बार 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 अंदर पुश हो रहा है ना, जैसे हम वो सेव बनाने की मशीन होती है ना, उसमें हम पुश करते रहते हैं और नीचे से आता रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे खाना डिपॉजिट होते रहता है। अब इसके नीचे जो मसूड़ा है ये इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाता है, जब वहाँ खाना फंसता है तो वो सड़ता है, वो बैक्टीरिया को भी अट्रैक्ट करता है, बैड स्मेल भी आती है। तो ये जो खाना है और हमारे लिए एक ऐसी जगह बन जाती है, जैसे कुछ गुंडे बदमाश टाइप के लोग नहीं होते जो खंडरों को इस्तेमाल करते हैं अपनी गलत एक्टिविटीज के लिए, तो उस जगह पे ना किसी की पहरा रहता है ना किसी की नजर रहती है, तो फिर कैविटी और अंदर और अंदर और अंदर दांत में घुसती जाती है। इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल कैरियस लीजन्स, मतलब दो दांत के बीच में, और ये बच्चों में
स्पेशली 4 साल और ऊपर के जो बच्चे, इसको हम लेट चाइल्डहुड केरीज भी बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स को नहीं बताते, ना कोई एड में इस चीज को बताता है, क्योंकि उन्हें पेस्ट सेल करना होता है, नहीं कि टेक्निक, क्योंकि टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह ऐसी है जिसमें कि हमें क्लीन करना है, तो ये सारी चीजें। और सबसे और डिफिकल्ट आता है एस शब्द का, कि बिल्कुल कर्व रहता है, ठीक है, तो वो कर्व में तो और ज्यादा फंस जाता है, तो सबसे ज्यादा कैविटीज एस शब्द में होती है। तो जब बच्चा हमारे पास 2.5-3 साल के बीच में आता है चेकअप के लिए, तो हम ये सब चीज देख सकते हैं, उनको हम फ्लॉसिंग सिखाते हैं ताकि वो इस जगह को अच्छे से क्लीन करें और ये कैविटीज ना हो। अभी तो कैप लगा दिया तो आपको मैंने इस तरह से समझाया, पर इसको अन्यथा ऐसे भी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी अगर साफ सफाई फ्लॉसिंग करके रखेंगे तो इस तरह की सिचुएशंस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हमने प्रॉक्सिमल कैविटीज या प्रॉक्सिमल एरियाज को कैसे फ्लॉसिंग करते हैं ये सीखा है। चलो।